नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की, जिसका नाम है ईश्वर की मर्जी। अर्थात ईश्वर की जो मर्जी होती है जीवन में, आप देखेंगे कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी बार हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, शायद अपनी इच्छा से भी ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे एक प्रभु की मर्जी भी होती है। हो सकता है वो हमारे भले की हो या वो हमारे लिए कुछ अच्छा चाहता हो, लेकिन ये एक छोटी सी कहानी उस भावना को पिरोने का प्रयास कर रही है। एक बार भगवान विष्णु गरुण जी पे सवार होकर कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। रास्ते में गरुण जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पे दो बारातें ठहरी थी। मामला उनकी समझ में नहीं आया, फिर क्या था, प्रभु बैठे और उन्होंने प्रभु से पूछ लिया कि हे प्रभु, कैसे अनोखी बात है, विवाह के लिए कन्या एक और दो बराते आई हैं, मेरे तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारात आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा। प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, चूँकि यह विधि का विधान है और ऐसा ही होगा। कन्या का भाग किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुण जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ पर पहुँचा कर कौतूहलवश पुनः उसी जगह पर आ गए जहाँ दोनों बारातें ठहरी थी। गरुण जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत उस वर को उठाया, ले जाकर समुद्र के एक टापू पर उसे छोड़ दिया। अब ऐसा करके गरुड़ थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके अचानक उनके मन में विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पे तो भूखा ही मर जाएगा और यहाँ सारी बारात मज़े से छप्पन भोग का आनंद लेगी, यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप भी मुझे अवश्य लगेगा, मुझे इसके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम तो करना ही चाहिए। यही विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार करके वह वापस उस स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने हट पर अड़ेक थी। अतः कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिससे कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पद से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर की खोज करके उन दोनों का ब्याह कर देंगे। माता ने अपने अभाव किसी तरह अपने जो समधी हैं उनको भी बता दिया था। अब संयोग की बात देखिए कि आंगन में रखी उसी टोकरी को, जिसको कन्या की माता ने विविध फल मेवा मिष्ठान से भरकर कन्या को छिपाया था, गौरजू ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर जहाँ पहले से ही वर को उठाकर लेके गए थे वहाँ रख दिया और वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने ज्यों ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल निकालना शुरू किया तो देखा उसमें 16 श्रृंगार की वह युवती बैठी है, जिससे कि उसका विवाह होना था। गरुण जी ये सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो ही गया कि हरि इच्छा बलवान है, राम कीन चाहे सोई होए, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार के स्वयं गरुण जी ने ही पुरुताई का भी कर्तव्य निभाया, वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराया, वर वधु को आशीर्वाद दिया और पुनः उनके घर पहुँचा दिया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृतांत निवेदन किया और प्रभु पे अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य भी हमसे करवा लिए। भगवान जी गरुण जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते रहे और उनकी जो ये बात थी कि जो विधि का विधान है वो होकर ही रहेगा, उसको यदि आप टालने का भी प्रयास करें, काटने का भी प्रयास करें, तो भी वो पूर्ण रूप से कभी भी नहीं कटता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।